अगर आपके पास कोई दूसरा जवाब हो तो वो भी लिख सकते हैं। कुजड़ी यानी सब्जी वाली, मैंने आगे भी कहा था कि सब्जी यानी को कुजड़ी कहा जाता है। कुजड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है साग बेचने के लिए? तो गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर तरफ। आपके यहाँ भी कुजड़ी वाली आती होगी ना, तो बस आपको यही लिखना है कि कुजड़ी वाली यानी सब्जी बेचने वाली साग बेचने के लिए कहाँ कहाँ जाती होगी। तो गांव गांव, गली गली, वहां सब जाती होगी। अब दूसरा यह है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? देखा ना आप सबने, रिक्शे में सिर्फ एक ही यात्री बैठा है। क्यों यात्री उसमें एक ही बैठा होगा? क्योंकि उसको दूसरा यात्री नहीं मिला होगा, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। आपने पूरे चित्र का अवलोकन कर दिया, अब हमको दूसरा चित्र देखना है कि ये चित्र और दूसरे चित्र में क्या तफावत है। देखो, आपने दूसरा चित्र देखा ध्यान से, जो पहला चित्र है उससे से दूसरा चित्र पूरा विपरीत है, यानी कि उल्टा हुआ है। पूरे चित्र में सब खड़े थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे चित्र में सब अस्त व्यस्त हो गए। क्यों हो गए? आपने चित्र को ध्यान से देखा है ना, क्यों सब अस्त व्यस्त हो गए? क्योंकि जब टायर वाला टायर में हवा भर रहा था तो ज्यादा हवा भरने से टायर फट गया। टायर फटने की इतनी जोर से आवाज आई कि सारे आजू बाजू के लोगों को असर हुई और सारा काम अस्त व्यस्त हो गया। जैसे कि टायर फटने से क्या क्या हुआ, आपने पहले चित्र में देखा और इस चित्र में देखा। टायर फटने से पहले क्या क्या हुआ, बल्ले का जो तोता बैठा हुआ है वो तोता उड़ गया, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे उड़ गए, कुत्ता जो सोया हुआ था वो लेटा हुआ था वो दौड़कर भागने लगा, मोची जो रास्ते पे बैठा है धड़ाम से आवाज आकर वो गिर गया, रिक्शा वाला का ध्यान भी टायर फटने पर पड़ा था, वो बाइक वाला से टकरा गया, और टायर वाला जो हवा भर रहा था वो भी गिर गया, बराबर ना। तो ये सारी चीजें हुई, सब्जी वाले की सारी सब्जी भी गिर गई। तो टायर फटने से इतना जोर से आवाज आया कि सारे काम आसपास के लोगों पर असर हुआ। टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम अब आप भी बताइए। टायर तो फटा, पर ऐसी कौन सी चीज है कि टायर के अलावा भी फट सकती है? तो आपके घर में गैस का सिलेंडर तो होगा, तो आपने सुना भी होगा कि गैस का सिलेंडर फटा। ज्यादा गैस की हवा भरने से या कुछ कमजोरी होने से गैस का सिलेंडर भी फटता है। पची रबर की गेंद, जो रबर की गेंद आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं, गड़ा पे खेल रहे होते हैं, तो वो गेंद भी फट जाती है। तो टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम गैस का सिलेंडर, रबर का गेंद, फिर मून वॉकर। हम जब प्रवास जाते हैं ट्रेन में और यारे, तो एक रबर का बना हुआ टक्की आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मून वॉकर। क्या कहते हैं? मून वॉकर। तो टायर के अलावा फटने वाली चीज के नाम क्या होता है? मून वॉकर, गैस का सिलेंडर, रबर की गेंद आदि कई चीजें होती है, लेकिन आपको सोच के लिखनी है। मैंने तो तीन बताई है, आगे की तीन आपको सोचने से लिखनी है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? इधर आप देखते होंगे, रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। क्यों टकरा गया? क्योंकि यहाँ जब टायर में हवा ज्यादा भर गई और जोर से आवाज आई, तो रिक्शा वाले का ध्यान कहाँ गया? टायर की तरफ गया, और टायर वाला रिक्शे वाले से टकराया, क्योंकि टायर वाला रिक्शा वाले का ध्यान टायर तरफ हो गया, इसलिए वो बाइक वाले से टकरा गया। टायर फटने के प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, आपने चित्र को देखा है ना, बात बताओ टायर फटने का आवाज किन किन चीजों पर नहीं पड़ा? पूरा चित्र ध्यान से देखना, यहाँ तो सारी हमने देख ली, बराबर ना, पर किन किन चीजों पर नहीं पड़ा? तो देखो, आसपास के मकानों पर, पेड़ों पर, ये दूर वाली दुकानों पर, यहाँ सारी जगह पर इसका असर पड़ा नहीं है। मोची क्यों रास्ते पे आ गए? मोची यहाँ बैठा हुआ था तो वो रास्ते पर क्यों आ गया? क्योंकि वो शांति से बैठा हुआ था, लेकिन जब धड़ाम से आवाज आया तो वो घबरा गया और घबरा से गिर गया, इसलिए मोची टायर की आवाज सुनकर रास्ते पे आ गया। तो आपने ये पांच सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपको ये चित्र का बराबर अवलोकन करना है और अवलोकन करके ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब प्रश्न तीन देखिए। टायर फटे घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी कई आंखें देखी घटना के बारे में बताइए। अगर आप किसी जगह जा रहे होते हो
और दड़ा हमसे टायर फटता है, साइकिल का टायर फटता है, मोटरसाइकिल का टायर फटता है, तो आपने कोई घटना ऐसे देखी होगी ना, तो उसको आपने नॉट में लिखने का है। चलो अब आगे प्रश्न है सदैव रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखे। आपको पता होगा कि रबर से कौन कौन सी चीजें बनती है। एक दो उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कि टायर, गेंद, फुटबॉल, रबर की वायर, मून वॉकर, ये सब रबर से बनी होती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको लिखने की है। मैंने तो पांच कह दी है, देखो वापस मैं दोहराती हूँ, टायर, गेंद, फुटबॉल, वायर और मून वॉकर। इसके अलावा भी आपको पता है तो आपके अपने नोट में लिखने की है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा होगा, जो हमने आगे के पहले पिक्चर में देख लिया कि टायर फटने के पहले तोता बैठा हुआ था, गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा था, सब्जी वाली सब्जी बेच रही थी, कुत्ता सो रहा था, एक आदमी टायर में हवा भर रहा था, मोटरसाइकिल और रिक्शा वाले रोड पे जा रहे थे। तो ये सब बातें वापस यहाँ पे लिखनी है। टायर क्यों फटा होगा, टायर तो सही था, टायर में तो हवा भर ही जाती थी, लेकिन अचानक टायर क्यों फट गया, क्योंकि टायर में ज्यादा हवा भरने से उसमें हवा आई नहीं और टायर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, जो आप दूसरे के चित्र में देख लिया वो ही आता है कि टायर फटने के बाद तोता उड़ गया, कुत्ता भागने लगा, गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए, सब्जी वाले की सारी सब्जियां गिर गई, टायर हवा भरने वाला आदमी भी गिर गया, मोची भी गिर गया, रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया, वही सारी चीजें यहाँ लिखने की है। पता चला ये सब प्रश्नों में। अब दूसरा प्रश्न है सुलेखन कीजिए, यानी कि सारे सुंदर अक्षर से लिखने हैं। आपके पास यहाँ एक फकरा दिया ही गया हुआ है, सूर्य अस्त होने से पहले, वही फकरा आपने सुंदर अक्षरों से अपने नोट में लिखने का है। और प्रश्न चार है कि दोनों चित्र में क्या अंतर है। आपको सही दोनों चित्र देखने के है, आपको दोनों सही चित्र यहाँ देखने के है, और दोनों में क्या अंतर है वो पेंसिल से सर्कल करने के है, बराबर। तो ये पार्ट एक चित्र के संग चित्र पार्ट, वो आपको चित्र देखने के बाद ही उसका प्रश्न के उत्तर देखना है। तो प्रश्न पहले चित्र है उसको इसको देखो और उसके नीचे जो प्रश्न के उत्तर है उसके जवाब दो। देखो ये पीडीएफ में आपको दिखाया जाएगा। पहला चित्र है उसको ध्यान से देखने का। ये चित्र के आधार पर नीचे के छह प्रश्न है, छह प्रश्न के उत्तर अपने स्वाध्याय में नोट में लिखने हैं। आज का आपका यह गृह कार्य है, बराबर। अब दूसरा चित्र है, दूसरा चित्र ध्यान से देखना है और इसके पांच सवाल के है, वो भी उसके आपको प्रश्न अपने नोट में लिखने के है। तीसरा प्रश्न है, मैंने आपको बताया था टायर फटने की घटना आपके आसपास आपके मोहल्ले में कहीं भी टायर फटता होता है तो उसकी घटना आपको अपने संदर्भ में लिखनी है। इसको QR कोड कहते हैं। अगर आपके मोबाइल में स्कैनर होगा तो स्कैनर से ये कोड सिलेक्ट करेंगे, उसका पूरा जवाब भी आ जाएगा और आप देख के समझ के उसको लिख भी सकते हैं, बराबर ना। और ये सदर में चार प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझाई है, तो वो आपके प्रश्न के उत्तर उसमें लिखने के है। और आगे सुंदर अक्षर से सुलेखन करना है, तो दो चित्र के अवलोकन करके उसमें जो भूल होती है उसको देख कर उसको सर्कल करना है। तो पूरा पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप अपने टीचर यानी मुझे या स्कूल में आकर मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं। मुझे फोन करके भी उसका उत्तर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आभार। हेलो, केम छो बाळको? सुनील विसावे, सुनील सुनील अवाज बंद करो, तारो म्यूट करी नाखो अवाज तमारो, अहीं सुधी अवाज आवे बीजाने डिस्टर्ब थाय बेटा। हा रानी, तारो पण अवाज म्यूट कर नाख जो चालू होय तो। अने छेल्ले अजबा, અજબાનો પણ અવાજ જો ચાલુ હોય તો મ્યુટ કરી દો। છોકરાઓ, તમને આ QR કોડ દેખાય છે ને, QR કોડ, તે QR કોડ જે છે એ તમારે આ રીતે તમારી ઘરે પ્લે સ્ટોરની અંદર તમે દીક્ષા લખશો, દીક્ષા એટલે દીક્ષા એપ આવશે, એ દીક્ષા એપ તમારે ચાલુ, એ દીક્ષા એપ તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે। અહીંયા આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે એટલે ડાયરેક્ટ આપણે ઓપન કરીશું। જેવું તમે દીક્ષા એપ ઓપન કરશો એટલે તમારું ધોરણ માંગશે,
बराबर छे। तमे गुजरात में छो, गुजरात में क्या शहर में रहो छो, ए पण तमारो अंदर मांगशे। जेवी दीक्षाए खोलशो एटले नीचे तमने तमारू सातमू धोरण छे, धोरण सात सिलेक्ट करशो तो सातमा धोरण बधा विषयना तमने चोपड़ा वीडियो बधुं अंदर तमने जोवा मळशे। तो पण न खबर पड़े तो आ तमने देखाय छे, कोण बेन जोवा जा देखाय, आ तमने देखाय छे। वच्चे क्यूआर कोड नी एक निशानी आपेली छे, एनी पर क्लिक करवानो, एनी पर क्लिक करशो एटले आ रीते खुलशे। अने खोली जेवुं तमे ए करशो क्लिक, એટલે જેવું ક્લિક કરશો ને આ ક્યુઆર કોડ ખોલશો ને તમને એક ક્યુઆર કોડ ની અંદર એના અંદર શું છે તમને દેખાશે। અત્યારે હું તમને બતાવું છું, જુઓ આ ક્લિક કરવાનું છે અને આ રીતે આમ જોવાનું છે, સ્કેન કરવાનું છે। તો સ્કેન થઈ ગયું એટલે સીધું ધોરણ સાત નો હિન્દી નો વિષય તમને જોવા મળશે। Thank you.